लाइफ में अगर रिस्क नहीं उठाना है तो फिर क्या करना है? साइट हो जाओ यार, साइट हो जाओ, हट जाओ गलो। कैसे हो भाई साहब? कहाँ जा रहे हो? ये हमें नहीं जाने देगा। रुक गया ये हमें नहीं जाने देगा। हेलो, स्कूल की छुट्टी हो गई। हेलो भाई साहब, मैं मोशन में हूँ, मोशन खराब मत कर। हाँ, गुड गुड गुड, ऐसे सेट होना चाहिए। गुड, माय गॉड, गाड़ी ले आनी चाहिए। भैया कितना गंदा गाड़ी चला रहे हो आप। मैं क्या करूँ, रास्ता ही ऐसा है। चल 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 चल, हम पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से, डर डर के हम पहुँचे हैं। तो वाओ, क्योंकि तो मस्त बना रहा है। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं थंग विलेज, जो कि नुब्रा वैली का लास्ट बॉर्डर विलेज है। और मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया होगा थंग विलेज, बट अभी बहुत चेंजेस यहां पे किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं टूरिस्ट के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अभी बज रहे हैं लगभग 2:30, तो अभी हम करेंगे लंच, जो कि इस वाले रेस्टोरेंट में करेंगे, बॉर्डर वे रेस्टोरेंट। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी थंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या डिफरेंट, पहले से क्या क्या चेंजेस हुआ है थंग विलेज में। कैसा बना जोया? अच्छा है। मुझे ठीक ठाक ही लगा। चुको है। चुको। कुछ मतलब इसमें ज्यादा मिला है। बस इतनी। तो गाइस हमने कर लिया लंच और अभी हम मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चेंजेस थंग में हुआ है। लो, थंग में क्या क्या चेंजेस हुआ है। और मेरी बहन हमेशा मुझे टोकती रहती है हर चीज के लिए। तो ये है पार्किंग के लिए रखा हुआ, पूरा जगह पार्किंग का है। हाँ, वो हमारा गाड़ी ब्राउनी। और इस साइड है फ्रूट्स वगैरह है, एप्रिकॉट वगैरह सेलिंग के लिए। ये छपो आओ, ये है एप्रिकोट, बिना उसके बिना सीड वाला एप्रिकोट है। केसर, अगर आपको कभी आना है, ऐसे चीजें लेना है, तो आप आ सकते हैं थंग और थंग से ले सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जोया मेरा। आज हिम्मत बना तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो नया व्यू पॉइंट है थंग का, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से अंदर है शायद, यहाँ भी बना नहीं करके। ये बन रहा है व्यू पॉइंट, अभी तो बना नहीं है पूरा, बट इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा बनने वाला है ये। ये व्यू पॉइंट बन रहा है, ऊपर जाके हम देख सकते हैं, ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा। जो यहाँ जगह है ऊपर जाने का। हसीना, यहाँ से है रास्ता, अभी बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और ऐसे आप देख सकते हैं बॉर्डर विलेज। ये देखो टूरिस्ट अभी भी वही नजर टका के बैठे हैं। यहाँ से व्यू पॉइंट है, ये पूरा बन रहा है अभी, पूरी तरह बना नहीं है। ये है व्यू पॉइंट, यहाँ लोग आराम से बैठ के चेयर पे बैठ के चाय के साथ पाकिस्तान देख सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ से फ्रंट विलेज। ये है फ्रंट विलेज,
ये है टोरस। इस तरीके से बन रहा है व्यू पॉइंट, और पूरा बन जाएगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, बहुत डिफरेंट चेंज आएगा थंग में पूरा बनने के बाद। ये है तिरंगा, हमारा तिरंगा। और ये एंडिंग मंथ है टूरिस्ट का, स्टिल थंग विलेज में टूरिस्ट है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत डिमांड है थंग विलेज का, तो इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है इस जगह को, व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। बहुत चेंजेस आएंगे, आप देखते रहना, मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज वगैरह हैं, और इस वाले रेस्टोरेंट में दी बल्तिस्तानी रेस्टोरेंट में ये लिखा हुआ है इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे जो नॉ पार्ट ऑफ लद्दाख स्कॉट, हाँ कैसे पार्ट चुलुंगा वगैरह कैसे इंडिया का पार्ट बना और क्या क्या चीज़ें चेंजेस आए, इसमें पूरा लिखा हुआ है। बस यहीं तक था। थंग का जो रास्ता है वो बहुत ही, अभी तो थोड़ा बहुत सही हुआ है, फिर भी रिस्की है ही। Oh my God, oh my God, oh my God. हाँ चाय पी रहे हम, अच्छी लग रही है। और ये हमारी थेरेपी है कि हम यहाँ पे आकर चाय पीते हैं रोज, स्टोन केव कैफे एंड रेस्टोरेंट। आज यहाँ पे चिकन नहीं है तो हम गए थे थंग खाना खाने।